एक बार बुद्ध और आनंद एक जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। चलते चलते दिन ढलने लगा था, परंतु उन्हें वह रास्ता नजर नहीं आ रहा था जो उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचा दे। वे श्रावस्ती के एक गांव में जाना चाहते थे। उनका उद्देश्य था कि वे रात गांव में बिताकर अगले दिन जैतवन की ओर प्रस्थान करें। जैतवन वह स्थान था जहां बुद्ध और उनके भिक्षु उस समय ठहरे हुए थे। बहुत प्रयास के बाद उन्हें वह मार्ग मिलता है जो उस गांव की तरफ जाता था। मार्ग मिलते ही बुद्ध और आनंद उस पर तेजी से आगे बढ़ते हैं, परंतु बहुत देर चलने के बाद भी उन्हें कोई गांव नहीं दिखता। फिर उन्हें मार्ग में एक व्यक्ति मिलता है जिससे आनंद पूछता है, भंते यहां से गांव कितनी दूर है? वह व्यक्ति मुस्कुराकर कहता है, ज्यादा दूर नहीं, केवल 2 कोस। उस व्यक्ति की बात सुन आनंद थोड़ा प्रसन्न होता है क्योंकि वह चलते चलते थक गया था। वह बुद्ध से कहता है, तथागत अब हमें केवल 2 कोस और चलना है। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, आभार आपका। आनंद भी उस व्यक्ति को धन्यवाद कहकर बुद्ध के साथ मार्ग में आगे बढ़ जाता है। चलते चलते बुद्ध और आनंद 2 कोस का सफर तय कर लेते हैं, परंतु अभी भी गांव का कोई अता पता नहीं होता। आनंद बुद्ध से कहता है, बुद्ध उस व्यक्ति ने तो कहा था कि 2 कोस के बाद गांव आ जाएगा, परंतु यहां तो दूर दूर तक कुछ नहीं है। लगता है उस व्यक्ति ने हमसे असत्य कहा था। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए आनंद। तभी आनंद को एक और व्यक्ति नजर आता है जो उस वन में ही लकड़ी काट रहा होता है। आनंद उस व्यक्ति से पूछता है, भंते यहां से गांव कितनी दूर है? वह लकड़हारा आनंद से कहता है, ज्यादा दूर नहीं, केवल 2 कोस। उस लकड़हारे की बात सुन आनंद बुद्ध से कहता है, बुद्ध शाम होने लगी है और अभी भी गांव 2 कोस दूर है, हमें जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए। उस लकड़हारे को धन्यवाद कहकर बुद्ध और आनंद अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते बुद्ध और आनंद फिर से 2 कोस का सफर तय कर लेते हैं, परंतु इस बार भी उन्हें कोई गांव नहीं दिखता। आनंद बुद्ध से कहता है, बुद्ध उन दोनों लोगों ने हमसे असत्य कहा था कि गांव 2 कोस दूर है। हम 4 कोस से भी ज्यादा चल चुके हैं, परंतु अभी भी गांव का कोई अता पता नहीं है। आनंद क्रोध में भरकर कहता है, बुद्ध यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं। बुद्ध आनंद से कहते हैं, ऐसा नहीं कहते आनंद, लोग बुरे नहीं होते, क्रोध बुरा होता है। हमें आगे चलना चाहिए, 2 कोस बाद हम अवश्य ही अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बुद्ध के कहने पर आनंद उनके साथ 2 कोस और चलता है। चलते चलते रात हो जाती है, परंतु इस बार वे गांव पहुंच जाते हैं। गांव पहुंचकर बुद्ध आनंद से कहते हैं, देखा आनंद, वे दोनों व्यक्ति कितने करुणावान थे जिन्होंने हमें इस गांव तक पहुंचा दिया। आनंद अभी भी थोड़ा क्रोध में था। वह बुद्ध से कहता है, परंतु इसमें उन दोनों व्यक्तियों का
क्या योगदान है। उन्होंने तो हमसे असत्य कहा था कि गांव 2 कोस दूर है, परंतु गांव तो 6 कोस दूर था। बुद्ध कहते हैं, आनंद सर्दियों का मौसम है। उस पहले व्यक्ति ने सोचा होगा कि यदि मैंने इन्हें गांव 6 कोस दूर बता दिया तो शायद ये जाने का ही प्रयास ना करें और यहीं इन वृक्षों के नीचे ही सो जाएं। इसलिए मैं इनसे असत्य कह देता हूँ कि गांव 2 कोस दूर है। 2 कोस चलेंगे तो रास्ता अपने आप ही कम हो जाएगा। और उस दूसरे व्यक्ति ने भी हमारे साथ यही करा ताकि हम चलते रहें। वे दोनों ही व्यक्ति बड़े करुणावान थे। हमें उन्हें धन्यवाद कहना चाहिए। आनंद, यदि आज वे दोनों व्यक्ति हमें नहीं मिलते तो हम इस समय उसी वन में किसी वृक्ष के नीचे बैठे होते। हमें किसी वृक्ष के नीचे बैठने में कोई समस्या नहीं है। बात बस इतनी है कि वे दोनों व्यक्ति नहीं चाहते थे कि हम रात किसी वृक्ष के नीचे बैठकर बिताएं। आनंद कहता है, बुद्ध यह आप कह रहे हैं क्योंकि आप खुद करुणावान हैं, इसलिए आपको सभी में करुणा ही दिखती है। परंतु इस बात का क्या प्रमाण है कि उन दोनों व्यक्तियों का उद्देश्य सही था। बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। सवाल ये नहीं है कि उन लोगों का उद्देश्य क्या था, सवाल ये है कि क्या उनका उद्देश्य तुम्हारे उद्देश्य को प्रभावित कर सकता है। आनंद, तुम सद्धर्म के मार्ग पर हो, सत्य के मार्ग पर हो। क्या किसी का गलत उद्देश्य तुम्हारे भीतर क्रोध पैदा कर सकता है? अगर कर सकता है तो गलती किसी दूसरे की नहीं बल्कि तुम्हारी है, क्योंकि तुमने ही खुद को खुश या दुखी करने का अधिकार दूसरों को दे दिया है। आनंद कहता है, परंतु बुद्ध, अच्छा या बुरा लगना तो स्वाभाविक है, इसमें मेरा क्या योगदान है? बुद्ध कहते हैं, इसमें तुम्हारा यही योगदान है कि तुम इन्हें अपने भीतर उठते हुए जागरूकता के साथ नहीं देखते, जिसकी वजह से तुम इनके साथ बह जाते हो, और तुम्हारा बह जाना ही तुम्हारे दुख का कारण है। बुद्ध की बात सुन आनंद का क्रोध शांत होता है और वह समझ पाता है कि गलती कहाँ हो रही थी। बुद्ध और आनंद उस रात उसी गांव में रुकते हैं और अगले दिन जैतवन चले जाते हैं। वैसे तो इस कहानी से कई बातें सीखने को मिलती हैं, मगर कुछ बातें मैं दोहराना चाहता हूँ। पहली बात, कभी भी किसी स्थिति को किसी एक नजरिए से ना देखें। दूसरी बात, बाहरी स्थिति के कारण जो भीतर होता है उसके लिए जागरूक रहें। तीसरी बात, एक लंबा सफर तय करने के लिए हमें उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेना चाहिए। चौथी बात, सवाल ये नहीं है कि लोग हम पर क्या फेंकते हैं या हमारे प्रति कैसी भावना रखते हैं। लोग हम पर फूल भी फेंक सकते हैं और पत्थर भी। सवाल ये है कि हम उनसे क्या बनाते हैं। आप इस कहानी से और क्या सीखते हैं, हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।